नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आइए, टाइप वन के जो पहला वीडियो था आपने देखा होगा, टाइप वन हमने करवाया था आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में टाइप वन, और हम आपको अब टाइप वन का ही कुछ और क्वेश्चन लगवाएंगे। यहाँ टाइप टू गलती से लिख गया है, टाइप वन का ही हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन कराएंगे, कुछ बच्चों की डिमांड थी सर टाइप वन के कुछ और क्वेश्चन कराइए, तो हमने कहा ठीक है कराते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए लिखा हुआ है 5x plus 3y is equal to 9, 2x minus 3y is equal to 12। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पिछले आपको पता है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, तो हमने टाइप वन का जो वीडियो बना है उसको आप पहला वीडियो जरूर देखिए, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने उसको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको स्पीड से बताएंगे, ठीक है, ताकि आपकी स्पीड बढ़े। हमने बताया था उसमें एलिमिनेशन, आज भी हम एलिमिनेशन ही बताएंगे, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। या चलिए आज हम सब्सटीट्यूशन बता देते हैं आपको, ताकि आपको और भी समझ में आ जाए अच्छे से। चलिए सब्सटीट्यूशन बताते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखिए, पहली इक्वेशन लिखी है 5x plus 3y is equal to 9। हम बताने जा रहे हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। तो क्या करते हैं इसमें, हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, दूसरे को इधर ले आएंगे कॉन्स्टेंट के साथ, ओके। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू हो गई 9 माइनस 3y अपॉन 5, ये हो गई x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकंड। देखिए दोस्तों, हम पहले भी कई बार आपको बताया है, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, हिंदी में भी समझिए। इसका मतलब हुआ x के मान को पहले समीकरण में रखने पर, ठीक। आइए तो क्या होगा, दूसरे समीकरण में रखने पर, तो ये देखिए 2x, x की जगह पर ये वाली वैल्यू रखी, यहाँ पे 9 माइनस 3y अपॉन 5, ये हो गया। बाकी एज इट इज़, मतलब जैसा है वैसा हूबहू आगे हम इसको अंदर भेजेंगे। यहाँ पे अक्सर हम जब पढ़ाते हैं, अक्सर बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने में। इसको ध्यान से देखिए आप, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 पूरे में डिवाइड है, ये पूरे में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये पूरे में डिवाइड है 5 आपका, ठीक है। ऐसा नहीं 5 इसमें डिवाइड है इसमें नहीं, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, आपको पता होगा बॉड मास का रूल क्या है, उसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, इसमें नीचे 1 है, कुछ नहीं, तो वहाँ पे 1 होता है। आप इसको तभी सॉल्व कर पाओगे, इस तरफ ला पाओगे, जब तक आप एलसीएम नहीं लोगे। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा आपका 2, हम पहले बार ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, और हम इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दे रहे हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। आइए बाकी पोर्शन को हम इस तरफ करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 को हम अंदर भेज रहे हैं, 2 अंदर जाएगा, 9 टू जाए 18, माइनस ये अंदर गया, 3 टू जा 6, माइनस 6y, ठीक है। नीचे देखिए 5 पड़ा हुआ है पहले से, इधर देखिए माइनस 3y पड़ा हुआ है, इधर 12 पड़ा हुआ है, करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, 18 माइनस 6y माइनस, ध्यान से देखिए, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या है, 5 आएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, नीचे पूरे में 5 है, यहाँ हो जाएगा 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 12। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, जो हमने अभी किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक के स्टेप में बहुत मिस्टेक होती है बच्चों से। सभी बच्चे ध्यान रखें, यूपी बोर्ड के हों, स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चे बहुत ध्यान रखें, इसको ध्यान से देखिए और अपनी गलती को सुधारिए, ताकि आपका बोर्ड में अच्छे से अच्छा नंबर आए और आप अपने घर और परिवार का नाम रोशन करें। आइए आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखो, ये हो गया 18 माइनस, ये दोनों ऐड होगा, मतलब जुड़ेगा, 15 और 6 आपका 21 हो गया, सिंबल लगेगा बढ़ेगा, मतलब जो बड़ी डिजिट होगी, यानी माइनस 15 6 21, यानी 21 21y अपॉन 5 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 12 पड़ा हुआ है। इस 5 को यहाँ ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा 18 माइनस 21y इधर आ जाएगा, 5 टू जा 10 60, ठीक है, 60, 12 पंजे 60। आइए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, तो वेरिएबल यहाँ का यहाँ पड़ा है, इसको इधर ले आए, 60 माइनस 18 ये हो गया, इधर आइए माइनस 21y, ये कितना आएगा,
60 में से 18 घटाइए, 10 में से 8 गए आपके दो बचे, यहाँ आ गए 5 में से 1 गए 4, 42 हो गए। इधर आइए y की वैल्यू क्या हो गई, इसको आप डिवाइड करोगे 42 अपॉन -21 हो जाएगा, इसका मतलब माइनस इधर आएगा 21, आपको पता है 21 टू जा होता है ना, 2 1 2 2 4 42 यानी 2, यानी y इज इक्वल टू आएगा -2। आप देखिए सब्सटीट्यूशन मेथड से हमने y की वैल्यू निकाली है, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। y की वैल्यू निकली है, अभी x की वैल्यू बाकी है, तो हम जल्दी से इधर वाले जो आपका बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है इन चीज़ों को हटा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी लोग, देखिए हम हट जाते हैं बोर्ड से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हालांकि वीडियो आपका है ही, आप उसमें वापस जाके देख सकते हो। हम यहाँ आप इस हिस्से को हटाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी वैल्यू क्या थी एक्स की, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू आ चुकी है, हम इसी में पुट करेंगे, ठीक है। आइए तो हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू को पुट करेंगे एक्स की वैल्यू में, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आइए रखते हैं सिंस, ये इसके बाद लिखेंगे, सिंस मतलब चूंकि, सिंस एक्स इज इक्वल टू 9 -3y/5। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू कितनी है -2 है, आप यहाँ पे रखो 9 -3 -2/5, 9 माइनस, ये देखिए अंदर ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 2 6 हो जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा। उसके बाद हमें अभी भी जगह कम पड़ रही है, हम ये भी हटाने जा रहे हैं, ठीक है, ये हट गया। तो देखिए ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 9 और 6 15 हो गए, 15/5 15/5 5 3 15 3 x इज इक्वल टू 3। ये देखिए दोनों वैल्यू आ गई, किससे लगाया हमने, सब्सटीट्यूशन मेथड से लगाया। तो ध्यान रखिए सब्सटीट्यूशन मेथड भी हमने आपको बता दिया, पिछले वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक जरूर दे देंगे, उससे आप टाइप 1 में जाके एलिमिनेशन मेथड देख सकते हैं। ओके तो बच्चों थैंक यू।